हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों के शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस, किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, उसी के साथ गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से चेक कर सकते हैं, कौन कौन शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022 में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दी गई, उस लिंक पे क्लिक करना होगा या तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करना है शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022, आगे सर्च करना होगा ctt.co.in। अब गाइस ctt.co.in सर्च करना जरूरी, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पे आप लोगों को जहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी के हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन टैकिंग अपडेटेड मिल जाएगी। गूगल में जो सबसे फर्स्ट रिजल्ट दिखा देगा उस पर क्लिक कर देना, आप लोगों के सामने जो एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आप चाहे तो डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके भी गाइस डायरेक्टली आप लोग जो है अपना यहाँ पे जो है आप लोग अपना इस पर्टिकुलर पेज पे यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को शिवाजी यूनिवर्सिटी की जो है हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इसे थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब गाइस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि गाइस 1962 में यहाँ पे आप लोगों की शिवाजी यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश की गई थी कोल्हापुर महाराष्ट्र में, इंडिया में। टोटल 853 एकर्स में गाइस यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस फैला हुआ है। यहाँ पे गाइस आपको यूजी पीजी लेवल के कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, एमफिल और एमटेक जैसे प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आप साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एमएससी मैथ्स प्रोवाइड कराया जाता है डिस्टेंस मोड में गाइस, और भी काफ़ी सारी यहाँ पे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसके डेट्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को 22 डेट्स दे दी गई है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते, देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो एप्लीकेशन दे दिया, अप्रैल में आप लोगों का एप्लीकेशन रिलीज होता है, एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली जून में जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सो गाइस, आप लोगों का जो यहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस तरह से आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। और गाइस कई बार स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो किसी भी कोई भी गाइस उल्टी सीधी डिटेल्स एंटर कर देते हैं, इनवैलिड डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं और उनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे आप लोगों का गाइस यहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में आपको लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप लोग जो है डायरेक्टली अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से पे करनी है। आपको सिंपली उस वीडियो को देख के सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना और आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। 100 रुपीज़ गाइस आप लोग डायरेक्टली जो है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं और 30 रुपीज़ आप लोगों के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे यहाँ पे अगर आप डिमांड ड्राफ्ट करते हैं तो। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब गाइस अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो गाइस सबसे पहले आपको जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है गाइस यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होगी। अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो गाइस आप लोग जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पे यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और यहाँ पे जो पीएचडी कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज के लिए हर एक के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग दे दी गई है। लाइक पीजी के लिए आप 12th पास आउट रहना चाहिए, पीजी के लिए बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए मास्टर्स डिग्री आपने की भी रहनी चाहिए। अब बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, तो गाइस आप लोगों का एग्जाम जो है यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 hour 30 minutes आपको दिए जाएंगे यहाँ पे और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आप सिलेबस की, तो सिलेबस आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे गाइस चेकआउट यहाँ पे जो डिस्कस नहीं कर सकते। बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है शिवाजी यूनिवर्सिटी 2022 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोग जो गाइस यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको अपडेट करके नोटिफाई कर देंगे कि किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस आई होप के भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इनके कोई डिटेल जाने डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
तो चलिए गाइस यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन मोड देखेंगे। तो गाइस आप लोग का जो एग्जाम है यहाँ पे ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आपके क्वेरीज रहेगी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके टाइप ऑफ क्वेरीज ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि गाइस आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन रहेंगे। चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली उस पर्टिकुलर एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मार्क्स 100 मार्क्स का आपका, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स करेगा। सही आंसर देने पर आपको एक मार्क्स यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा। वही गलत आंसर देने पर आपके 0.25, यानी कि गाइस आपका जो है 0.25 मार्क्स आपके यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे। 0.25 मार्क्स के आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सिलेबस यहाँ पे दे दिया, कंप्लीट सिलेबस आप सिर्फ चेक कर सकते हैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस आपके एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है PGIMER नर्सिंग 2022 का गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपके काफ़ी सारी बेसिक सी डिटेल्स रहती रहेगा, आपका फोटोग्राफ रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, साथ ही साथ गाइस आप लोगों के जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपके एग्जाम सेंटर का वेन्यू, आपके जो है सब्जेक्ट्स एंड डेट्स आपके उसमें प्रोवाइड कराए रहते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग डेट आई और कब आपका जो डाउनलोडिंग डेट यहाँ पे एंड हो चुका है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे आपका गाइस यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आसानी से सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ इन केस फिर भी गाइस आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप लोगों को जो है सारे के सारे डाउट्स PGIMER नर्सिंग 2022 के रिगार्डिंग क्लियर हो गए रहेंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम है, कोई डिटेल जाना है, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।